कम समय में एग्जाम लेना, उसका रिजल्ट घोषित करना है, स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाना, वो भी छुट्टी के समय, वो आप बुलाते हैं, लोग काउंसलिंग कराते हैं, आप तुरंत उसमें ट्रेनिंग भी भेज दे रहे हैं, मतलब कुछ सोचने समझने का भी समय नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका डीएलएड क्वालिफाई नहीं है, सीटेट फेल है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर वो आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सरकार हमारी ये काम कर रही है, जैसे सारे बच्चे रो रहे थे, लॉलीपॉप पकड़ा दिए के चलो जब तक खा लो, बाकी सारे बच्चे आपस में लड़ दो, ये इसी तरह का कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। लाइव सीरीज लगातार आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बारे में आपको दिखा रहा है। एक और फर्जीवाड़ा आपके सामने है, ये शख्स को ध्यान से देख लीजिए। नाम क्या हुआ आपका? सानिया कुमारी। आपके साथ क्या हुआ है, पूरी डिटेल में आप बता सकती हैं? जी मेरा मैंने बीएड किया हुआ है और बीएड के साथ मैंने 6 महीना ब्रिज कोर्स भी किया था। और तो आपका ना आपको 11, 12 या 9, 10 में नौकरी मिल गया होगा? नहीं, एस्टेट अभी क्वालिफाइड है, लेकिन अब उसमें भी बीपीएससी मुझे क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो नौकरी मिलेगी। तो फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ ये बताइए? फर्जीवाड़ा ये हुआ कि मैंने सीटेट क्वालिफाइड करके बीपीएससी का एग्जाम दिया था, उसमें 1-5 भी मेरा क्वालिफाइड है, रिजल्ट भी आया हुआ है और मुझे जिला भी अलॉट किया गया था मुंगेर। वहाँ पर जब मैं जाती हूँ तो वहाँ लोग बोलते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है। तो फिर मुझे ओटीपी भी मिलता है काउंसलिंग के दौरान, लेकिन फिर लास्ट में मेरा काउंसलिंग रोक दिया जाता है। लास्ट में आपका काउंसलिंग रोक दिया जी जाता है। और पहले बोल दिया जाता है कि रिजल्ट है? हाँ, रिजल्ट तो है मेरा, क्लियर है 1-5। लेकिन आप डीएलएड है, बीएड है? बीएड है। हाँ। तो बीएड का तो रिजल्ट अभी नहीं आना था, तो बीएड का रिजल्ट कैसे आ गया? अब तो ये बीपीएससी बताएगी ना। हाँ। या तो लेना था, नहीं लेना था तो नहीं रिजल्ट, लेना था तो सबको ले, तो रिजल्ट क्लियर करना ही नहीं था ना। हम लोग इतने परेशानी में, दशहरे की छुट्टी में आने जाने में हम लोग को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ मतलब सुनवाई ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपके सामने तो सब चीज हो रहा है, फर्जीवाड़ा कितना बड़ा है, आपको क्या लगता है? अब तो ये बीपीएससी बताएगी ना कि इतने कम समय में एग्जाम लेना, उसका रिजल्ट घोषित करना है, स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाना, वो भी छुट्टी के समय, दूर दूर से लोग आ रहे हैं क्लियर करके कि हाँ मेरा जिला सपना लेके कि भैया मेरा हो गया। आप वहाँ बुलाते हैं, लोग काउंसलिंग कराते हैं, आप तुरंत उसमें ट्रेनिंग भी भेज दे रहे हैं, मतलब कुछ सोचने समझने का भी समय नहीं है स्टूडेंट पर, कुछ नहीं। घर वाले आपके क्या बोल रहे? घर वाले तो खुश है ना कि चलो भाई बीएड बीएड में हो तो गया, सब जगह से खुशियां हैं कि होना नहीं था लेकिन हो गया। अब बताइए यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अब क्लियर नहीं है, तो अब इसके अभी होना नहीं था तो कैसे हो गया बीएड का, ये सर, सर ये चीज मैं कह रहा हूँ, इसे आयोग की, सर इसे मैं लापरवाही करूंगा, और लापरवाही बहुत अतुल प्रसाद की, आयोग की जो सर जिसमें अतुल प्रसाद सर भी बैठते हैं, आयोग की बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि जब बीएड को न्यायालय ने दे दिया, आपने लिखा भी कि नहीं, तो आपने उसमें क्यों दिया, इससे किसकी हकमारी हुई? हम डीएलएड वालों की हकमारी हुई, आपने डीएलएड वाले हैं, हम डीएलएड वाले हैं, हम डीएलएड वालों से हकमारी हुई, क्या लिख के लाए हैं सर? सबसे बड़ी चीज वन सीट वन रिजल्ट सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट 1-5 में भी है, 9-10 है, 11-12 में भी है, और उससे बड़ी बात बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका डीएलएड क्वालिफाई नहीं है, सीटेट फेल है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर वो आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास सब चीज है वो सर आज सड़क पर सर भीख मांग रहे हैं। क्या सर न्यायालय का जो आयोग का हो कैसे गया, अभी तो नहीं होना जी सर, ये इससे क्या कहेंगे सर, लापरवाही ना मैं कहूंगा, बहुत बड़ी मैं लापरवाही, धांधली बोलेंगे, लापरवाही बोलेंगे, धांधली भी कहूंगा और लापरवाही करूंगा। आयोग की धांधली क्यों? क्योंकि बहुत सारे सर फर्जीवाड़े डॉक्यूमेंट लेकर आज उनका वेरीफाई हो जा रहा है, आज ट्रेनिंग पर रखे हैं, और लापरवाही इसलिए कि बहुत जिनका नहीं आना था नाम, उनका नाम कैसे आ गया? चलिए देखिए लगातार बीपी जी, वो धांधली हो गया अतुल प्रकाश जी, ये सरकार हमारी ये काम कर रही है, जैसे सारे बच्चे रो रहे थे, लॉलीपॉप पकड़ा दिए के चलो जब तक खा लो, बाकी सारे बच्चे आपस में लड़ दो, ये इसी तरह का कर रहे हैं, ये लड़वा रहे हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला था कि जिनका नंबर 1 नंबर या 2 नंबर कम आएगा उनको ग्रेस मार्क देंगे, ये कहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर क्यों नहीं ग्रेस मार्क दे रहे हैं ये? हम लोग को ग्रेस मिलना चाहिए ना, मेरा 47 से मेरा 38 पे आ गया है, तो मेरा रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ग्रेस मार्क दीजिए, जो बात बोलते हैं यहाँ पे जो बात है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको बात दिखा रहे हैं, सब लोग देखिए, सब लोग लगातार जो है वो आवाज उठा रहे हैं और सब लोग अलग अलग मांग कर रहे हैं। बीएड वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, बीएड वाले भी हैं। फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा हुआ है कि नहीं? एक मिनट, फोटो इनको लेने दीजिए अखबार से, है उसके बाद देखिए। तो लगातार जो लोग हैं आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो छात्र नेता दिलीप हैं और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। बीएड वाले जितने भी महिला अभ्यर्थी थी साफ कह रहे हैं कि हम बीएड किए हैं लेकिन उसके बाद भी हमारा रिजल्ट आ गया। क्या कुछ कहना था उनका, वो आपने सुन लिया, तो बस ऐसी धन्यवाद।